बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं जिसको बहुत से लोगों को इंतज़ार था, बहुत से लोग जानना चाहते थे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम जिसको डिस्कस करने लगे हैं, ये टॉपिक है कि जो दुबई में हम एक्सपोर्ट करते हैं, खसूसन जो फ्रूट एंड वेजिटेबल की एक्सपोर्ट है, उसमें हमें एडवांस पेमेंट क्यों नहीं मिलती। अगर एडवांस पेमेंट नहीं मिलती तो फिर हम इसको एक्सपोर्ट सेफली कैसे कर सकते हैं। ऑलरेडी वीडियोस में हम लोगों ने दुबई में जो फ्रॉड होता है उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, स्कैम्स को डिस्कस किया है, उससे कैसे बचना है, कौन कौन से हमने तरीके का इस्तेमाल करने हैं, कौन से रेड सिग्नल्स हैं जिसे हमने हमने अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किया था, हमने कैसे बचना है इन सारी चीज़ों से। तो वो सारी कुछ ऑलरेडी वीडियोज़ उसमें पढ़ा हुआ है। यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वीडियोज़ ऑलरेडी बनी हुई है, उनको एक दफ़ा देख लें। जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल दुबई में एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, दुबई की मार्केट ऐसा जो है, मैं भी दुबई में एक्सपोर्ट करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक दुबई में फ्रॉड नहीं हुआ। एक आध जगह और हुआ, वो भी अपनी मिस्टेक की वजह से था, हुआ ज़रूर है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, मैंने जिस तरह लास्ट वीडियोज में भी बताया था कि हमारी लालच मार देती है हमें। जो दो तीन मैंने सिग्नल्स आपको बताए थे कि यार ये दो सिग्नल्स हैं, तीन सिग्नल हैं जिससे आपको पता लगना चाहिए ये जो है रॉन्ग नंबर है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम फिर उसी लालच में घिर जाते हैं। वो नहीं गिरवाता, वो तो हमें कहता है कि ये मसला है। अब वो फोर्स तो नहीं कर रहा, वो हम पे काला इलम तो नहीं कर रहा कि नहीं जी आप हमें कंटेनर भेजो ही भेजो, यार ये बंदा भेजे वो काला इलम तो नहीं करवा रहा। ये हम जो है ना, ये खुद हम जो है अपनी लालच के उसमें आके हम लोग अपना नुकसान करवाते हैं। तो सबसे पहले कि वो हमें एडवांस पेमेंट क्यों देंगे। दुबई मार्केट में रोज की बुनियाद पर कम से कम 1000 कंटेनर आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो फल हमने पाकिस्तान में सीजनल हम चलते हैं, हम यहाँ पे नहीं खा सकते, लेकिन दुबई में आपको 12 महीने मिलेगा। अगर मैंगो की बात करें तो 12 महीने वहाँ पे आपको मिलेगा। अगर इंडिया का खत्म हो जाए तो पाकिस्तान का चेहरा होता है, पाकिस्तान का खत्म हो जाए कीनिया का चेहरा होता है, कीनिया का खत्म हो जाए जॉर्डन का चेहरा होता है, जॉर्डन का खत्म हो जाए इजिप्ट का चेहरा होता है। इसी तरह वहाँ पे 12 महीने जो है आपको सारे फल मिलते हैं। किन्नू भी इसी तरह है, मोरक्को का आ गया, कभी जॉर्डन का आ गया, कभी कहीं का आ गया, कभी कहीं का आ गया, चाइना भी एक्सपोर्ट कर रहा है किन्नू। अब देखिए बात यह है कि जब इतने कंटेनर वहां पे आ रहे हैं, कोई भी एक्सपोर्टर वहां पे जो इम्पोर्टर है वो आपको एडवांस पेमेंट दे के क्यों खरीदेगा अगर उसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम लोग पागल है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आंखें बंद करके अपना कंटेनर, हमने सिर्फ जो है ना, हमें कोशिश होती है कि वहाँ एक्सपोर्ट करें। क्यों क्यों एक्सपोर्ट करें, इसको मैं हम अंदर नहीं जा रहे कि हम क्यों एक्सपोर्ट करके पैसे को क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, ये अब आप लोगों को समझने की जरूरत है। ऑल दो ये होता है कि हम लोग अपना कंटेनर जो है कमीशन पे भेज देते हैं, तो वहां पे जो इम्पोर्टर होता है, देखो जो अच्छा इम्पोर्टर है, जो बिजनेसमैन कर रहा है, वहां पे पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, बंगाली भी, अच्छा काम भी कर रहे हैं। एक मछली या कुछ मछलियां जो पूरे तालाब को गंदा करके बैठी हुई है, लेकिन वहां पे और बहुत सारे लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी बड़े मिलीनियर है वहां पे, जो इंडियन है वो भी मिलीनियर है, और जो बंगाली है वो भी मिलीनियर है वहां पे, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो पिछले 20-25 साल से काम कर रहे हैं वहां पे, तो वो एक उनका सेटअप बना हुआ है। अगर उन्होंने इंपोर्टर को, अगर आप एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान, अब आप मुझे एक एग्जांपल देते हैं, आप बैठे हैं दुबई में, अब आपको चाहिए आलू, आलू का 100 कंटेनर या 200 कंटेनर वहां पर लगा हुआ है, आपका भी पाकिस्तान का भी गया हुआ है, इंडिया का भी गया हुआ है, चाइना का भी आया हुआ है, और इजिप्ट का भी आया हुआ है, ठीक है, अफगानिस्तान का भी गया हुआ है। अब आप मुझे बताएं, आप मुझे एडवांस पेमेंट देंगे कि यार मेरा आलू का कंटेनर तैयार करो और मुझे भेज दो? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आपकी रिक्वायरमेंट वहीं पूरी हो जाएगी, आप मुझसे करेंगे, मैं आपको बताऊंगा यार ये कॉस्ट आ रही है 4 दिरहम की, मिसाल दे रहा हूँ, दुबई पहुंच अलवीर मार्केट में पहुंच की मैं दे रहा हूँ आपको प्राइस 4 दिरहम की। अब जो है जो कॉस्टिंग वहां पर पड़ रही है, जो कंटेनर वहां पर मिल रहा है, वो भी 4 दिरहम का ही मिल रहा है, ठीक है, तो वो मुझसे क्यों मंगवाएगा? अब उसको मुझ पर डाउट भी होगा कि यार ये पता नहीं माल कैसा भेजेगा, माल में कोई मसला ना हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी तो यही है ना कि माल, हम जब एडवांस पेमेंट आ जाती है तो हम माल जो है उठा उठा के बस फेंकते हैं, मतलब कि उसमें कोई क्वालिटी नहीं देते। जब क्वालिटी नहीं देते तो फिर ऑब्वियसली एडवांस पेमेंट का कॉन्सेप्ट ही यहाँ से ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मांगी है। ये ऐसी बात नहीं है, आज भी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको एडवांस पेमेंट मिलती है, लेकिन हमें नहीं मिलती, नए एक्सपोर्टर्स को नहीं मिलती, क्योंकि वो जो है बिल्कुल नहीं होते और कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। लोगों ने बहुत न्यू एक्सपोर्टर्स पे ट्रस्ट करके देखा, लेकिन जो है लोग जो है यहाँ पे भी दो नंबरी करते हैं। अब नए एक्सपोर्टर को तो दो नंबरी नहीं करनी चाहिए ना, लेकिन वो भी मार्केट में आता है तो दो नंबरी सीख जाता है और करता भी है। तो अब आप मुझे जो है उस कंटेनर के पेमेंट नहीं करोगे, एडवांस पेमेंट नहीं करोगे, और आप जो वहीं से आलू का जो अपनी जो है
जरूरत का मतलब अगर दो कंटेनर चाहिए, तीन कंटेनर चाहिए, क्यों चाहिए उसको? क्योंकि उसने सप्लाई में माल डाला होता है, कारेफोर को दे रहा होता है या किसी और बड़ी बड़ी हाइपर मार्ट्स को दे रहा होता है, तो उसका रेगुलर उसको चाहिए होता है, वहीं से परचेसिंग करके चार दिरहम की, बल्कि उसको ये भी होता है कि वहां से उसको क्रेडिट भी मिल जाता है। मतलब कि ऑब्वियसली सारे ट्रेडर बैठे हुए हैं तो सब एक दूसरे को जानते हैं, तो उसको चार दिन, पाँच दिन, छः दिन का क्रेडिट भी मिल जाता है। तो अब मुझे बताएं वो एडवांस पेमेंट के लिए आपके पास क्यों है? मैं एक बंदे से बात कर रहा था कि इसी सिलसिले में कि एडवांस पेमेंट आप क्यों नहीं देते। उसने कहा कि भाई हमने एडवांस पेमेंट एक पाकिस्तानी को दी थी, पुरानी बात बता रहा था मुझे, हमने एक पाकिस्तानी को दी थी। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, फिर आपने उससे मतलब कि क्या आगे, मुझे क्यूरियोसिटी हुई जानने की क्या किया फिर आपने। उसने कहा हमने उससे मंगवाया था पोटैटो, उसने जो भी गन मतलब अगर हमें साइज हमने उसको जो बताया उससे छोटा बड़ा दरमियाना बंगला जो भी था ना उससे हम उसने हमें भेज दिया। अब हमने शर्मा शर्मी वो कंटेनर हमने खुद नहीं बेचा, वो हमने आगे कमीशन एजेंट को दे दिया, उसमें हमारा नाम खराब हो रहा था कि हमारे नाम से कंटेनर आया हुआ था। तो हमने जो है वो आगे कंटेनर जो है किसी कमीशन एजेंट को दे दिया कि भाई बेचो इसको, जो पैसे बनते हैं अपना 5% काटो और बाकी पेमेंट हमें कर दो। अब आप बताएं कि हम जो है कैसे किसी पर ट्रस्ट करके एडवांस पेमेंट भी दें और जो है वो काम कर ले। हाँ, उसने कहा ऐसा कर सकते हैं हम, किसी के 6-7 कंटेनर अगर आए हुए हैं हमारे पास आए या किसी और बंदे के पास मार्केट में आए, वो हमें बताए कि हाँ जी ये रेफरेंस दे के उस बंदे के पास हमारे 7 कंटेनर या 15 कंटेनर, 10 कंटेनर, 4 कंटेनर, 6 जितने भी कंटेनर आए हैं और पेमेंट का लेन देन बिल्कुल जीरो है, तो रेफरेंस दे, हमें डॉक्यूमेंट दिखाएं, हम एडवांस पेमेंट करेंगे अगर हमारी ज़रूरत होगी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसलिए हमें एडवांस पेमेंट नहीं मिलती, क्योंकि हज़ारों के कंटेनर्स आपके भी जाते हैं, इंडिया से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, अफगानिस्तान भी भेज रहा है, आगे तुर्की भी है, उसके बाद ईरान भी है, और जगह जगह से आते हैं, जॉर्डन से हो गया, इजिप्ट से हो गया, इन सारी जगहों से आ रहे हैं। तो कंटेनर का रश लगा होता है अगर आप कभी गेम, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी कोई काम करना है ना आपने तो अपनी सोच ऊपर रखनी है कि यार मैंने एक बड़े लेवल पे काम करना है, तो उसके लिए आपके पास थोड़ी सी अमाउंट भी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर काम शुरू करना चाह रहे हैं ना आप, मतलब कि कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो कम से कम एक बजट आप जो है ना बाहर का रख लें, ठीक है? एक ट्रैवल जो है ना, विजिट वीज़ा जो है आप लेके बाहर विजिट करें, ताकि आपकी आंखें खुलें कि हो क्या रहा है। यहाँ पे बैठे बैठे हम गूगल पे कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों की बातें सुन सकते हैं। लोग हमें डिमोटिवेट ज़रूर करते हैं कि यार अब दुबई जाओगे, दुबई की मार्केट, मैंने खुद भी इसलिए ये बातें सारी मैंने आप लोगों को समझाई पिछली वीडियोस में, लेकिन फिर ये भी बताया मैंने कि यार स्कैमर से बचना कैसे, स्कैम से अपने बचना कैसे। स्कैमर्स हैं, वो हर जगह है, दुनिया की हर जगह है, ठीक है? मैंने ये भी एग्जाम्पल दी थी कि लोकल मार्केट में भी स्कैम होता है। क्यों? यहाँ पे अगर आप फेसबुक, मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐड है फ्रॉड अलर्ट के नाम से, उसमें डेली कोई ना कोई फ्रॉड के वो डिटेल आ रही होती है, इस बंदे ने इसका इतना खा लिया, इस बंदे ने इसका इतना खा लिया, ये बंदा पैसे नहीं दे रहा, इसने इसके लिए चीज़ें मंगवाई थी और वो फ़ोन नहीं उठा। इस तरह आप देखें ना, आप दराज की जब आप चीज़ कोई मंगवाते हो, अक्सर आपने, मैंने तो खैर मेरे साथ तो कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन जब आप चीज़ मंगवाते हो किसी कोई, और मैंने वीडियोज़ देखी हैं, तो उस पर आप कभी कोई पत्थर निकल रहा होता है, कभी कुछ निकल रहा होता है, तो फ्रॉड तो हर जगह है। फिर भाई क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोम यहाँ पे नहीं करता, क्वालिटी कोई मैटर नहीं करती किसी के लिए। आप अच्छी चीज़ भेजो, चार कंटेनर आपके जब बिक जाएंगे ना, अच्छी चीज़ अच्छी होनी चाहिए, बेशक थोड़ा माइनस में बिके प्लस में बिके, जब आपके अच्छे कंटेनर बिक जाएंगे तो लोगों को पता लगेगा इस बंदे का माल जो है ना, एक्स वाई जी कंपनी का माल जो आ रहा है ना पाकिस्तान से, वो बेस्ट माल है। तो जब बेस्ट भेजोगे तो आपको रेट भी अच्छा मिलेगा, आपका नाम भी बनेगा और आपको एडवांस पेमेंट भी मिलेगी। ये जो है ना एक कॉन्सेप्ट अपने जेहन से निकाल दें कि हमें एडवांस पेमेंट जो है क्यों नहीं मिल सकती। हमें एडवांस पेमेंट मिल सकती है, हम थोड़ी सी एफर्ट करें ना तो हमें एडवांस पेमेंट मिल सकती है, दे सकते हैं, ठीक है? अगर नहीं एडवांस पेमेंट मिलती तो एलसी पे काम करें, एलसी पे भी काम बहुत अच्छा है, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक से ओपन करवाएं, वो ऑलरेडी वीडियो बनाई भी है कि कैसे करना है, कौन सी जो है आपने एलसी यूज़ करनी है, तो उसको भी देख के आप जो है एलसी पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि यार चले ठीक है, अगर हमें एडवांस पेमेंट नहीं मिल सकती तो अब हमें सेफली जो दुबई में काम कैसे करना है? उसमें आपको करना क्या है, आपने कंटेनर तैयार करवाना है, जिस एक्स वाई जी कोई भी चीज़ जो आपकी जो 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 स्पेशलिटी, ठीक है? आपने कमीशन एजेंट देखना है, वहाँ पे कमीशन एजेंट कौन सा है, कमीशन एजेंट आपने फ़ोन पे बात कर ली, फर्ज करें आप मुझे भेज रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे भेज रहे हैं आप माल, मेरी कंपनी को भेज रहे हैं, ठीक है? मैंने जिस तरह आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि आपने कंटेनर पहुँचे, कंटेनर यहाँ से जो है ना 2 दिन पोर्ट पे और आगे 2 दिन और 6 दिन, 6 दिन का जो ट्रांजिट है वो दुबई का, 6-7 दिन लग जाते हैं मार्केट में पहुंच, आपने 3rd-4th दिन आपने दुबई फ्लाई कर जाना है, वहां पे आप भेज तो मुझे रहे हो लेकिन आपने कमीशन एजेंट देखना है
हो सकता है मुझसे भी अच्छा कोई मिल जाए आपको, तो आपने बीएल जो है उसको चेंज करवा लेना शिपिंग लाइन से, ठीक है, उसके $70 की फीस होती है, उसके नाम पे करवा देना, वो उसको वहां से करवा के अपने रैंप पे लाके सेल करेगा। जब सेल करेगा आप मार्केट में बैठे हो, ठीक है, अब वो जिस जो जो वो बंदा है कमीशन एजेंट है किसको सेल कर रहा है आपने वो देखना है। अब वो देखोगे आप उस बंदे को नोट करोगे वो बंदा कौन है, आप उससे मिलोगे कि यार मेरा जो कंटेनर आता है तो आप मुझसे डायरेक्ट ले सकते हो, जाहिर सी बात है वो आपसे इसी तरह रिलेशनशिप बनते हैं ना। अब यहाँ पे बैठे रहोगे यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। कमाई कौन कर रहा है? मिडलमैन। मिडलमैन कौन है यहाँ पे? कमीशन एजेंट, वो कमाई कर रहा है। आप भेजने वाले हो, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरर हो, भेजने वाले हो, वो आगे जो है अपना जो कमीशन एजेंट है वो मिडलमैन है, वो कमा रहा है, आगे जो है आगे बेचने वाला है। तो यहाँ पे मसला ये है कि हमें जो है अच्छा जो है ना मिडलमैन बनना है। हम भी मिडलमैन है बेसिकली यहाँ पे, लेकिन हम मैन्युफैक्चरर में आगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम यहाँ से उड़ के नहीं जाते, हम यहाँ से कंटेनर अल्लाह के सपोर्ट करके भेज देते, जो कि इंतहाई गलत है। यहाँ से उड़ के जाना चाहिए हमें, यहाँ पे वहाँ पे पहुँच के लोगों से मिलना चाहिए। बहुत बड़ी मार्केट है, हज़ार हज़ार डेढ़ डेढ़ हज़ार कंटेनर होता है रोज़ का सेल होता है, इतनी खपत है मार्केट की। तो आप भी अच्छा वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट भी कर सकते हो यार, ऐसा नहीं वहाँ पे रेवेन्यू नहीं है, अच्छे रेवेन्यू लोग कमा रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े कंपनीज हैं, MDS होगी और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो के सालों से काम कर रही हैं और अच्छा अर्न कर रही हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो सेफ ही यही है कि आपने किसी जो गलत आदमी के हाथ नहीं चढ़ना वहाँ पे, उसकी जो प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी है वो जब पहुँचोगे आप एक दिन के अंदर अंदर सारी वेरिफिकेशन हो जाएगी उसकी कि वो क्या है, कितने अच्छे से काम कर रहा है, वो जुबानी भी हो जाएगी आपको देख के पता लग जाएगा, उसके खुलिए से पता लग जाएगा कि वो किस तरह और किस तरह काम कर रहा है, कितने उसकी कितनी देर में वो कंटेनर सेल कर देता है। अगर वो 5 मिनट में कंटेनर सेल कर देता है इसका मतलब उसके ऑलरेडी लिंक्स हैं, उसका वो सुबह ही जब कंटेनर पहुंचने वाला होता है वो सुबह ही मैसेज कर देता है मेरा कंटेनर आ रहा है, और उसी टाइम उसका कंटेनर सेल हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी अलवीर मार्केट के बारे में जो आपको बताना बहुत जरूरी थी, क्योंकि एडवांस पेमेंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें एडवांस पेमेंट नहीं मिलती, हम क्या काम करना छोड़ दें? तो ऐसी बात नहीं है, आपको स्टार्ट में कुछ गिवअप्स करने पड़ेंगे वहाँ पे, कुछ मतलब के कुछ लेन मतलब देना लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक स्टेबल उसमें एक्सपोर्ट में आ सकते हो। चलिए उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।